औरत हुई शर्मसार, गर्भवती मुस्लिम महिला की इज्जत हुई तार तार, हैवानियत की शिकार महिला की योगी से गुहार, न्याय नहीं मिलने पर दी इस्लाम छोड़ने की धमकी, क्या पीड़िता को न्याय दिलाएगी योगी सरकार? उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक मुस्लिम महिला ने योगी सरकार से गुहार लगाई है कि अगर उसे न्याय नहीं मिला तो वो इस्लाम धर्म छोड़कर हिंदू बन जाएगी। आखिर क्या है पूरा मामला, क्यों ये महिला योगी सरकार से न्याय की गुहार लगा रही है? उत्तर प्रदेश का जिला मुजफ्फरनगर तो याद ही होगा, ये वही मुजफ्फरनगर है जहां कभी अखिलेश राज में दंगा हुआ था और इस दंगे में कई लोगों की जान चली गई थी, तो वहीं तमाम लोगों के आशियाने उजड़ गए थे। करीब 10 साल पहले दंगे की आग झेल चुके इस जिला मुजफ्फरनगर से अब एक और सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसे सुनकर इंसानियत भी शर्मसार हो जाएगी। जिला मुजफ्फरनगर के थाना ककरौली इलाके में रहने वाली एक मुस्लिम महिला ने अपने पति देवर और जेठ पर सनसनीखेज आरोप लगाया है कि ये सभी उसके साथ जबरदस्ती रेप करते थे। इतना ही नहीं, महिला का पति गैर मर्दों से भी पैसा लेकर उसका यौन शोषण करवाता था और मना करने पर ससुराल वाले उसके साथ मारपीट किया करते थे। सर, मेरी शादी अब से तकरीबन 4-5 साल पहले हुई थी, 5 साल पहले सन 18 में 4 मार्च को, बेड़ा सादात है ककरौली थाना जी। मेरी शादी हुई थी, उसके बाद से ही उन लोगों ने मुझे बहुत परेशान किया, बहुत टॉर्चर किया। शुरू में तो वे लोग मुझे दहेज के ऊपर करते थे कि ये लेकर अपने घर से वो लेकर, फिर उसके बाद से मेरे पति ने मेरे साथ गलत काम करने शुरू कर दिया, गैर मर्दों को ला ला के उनसे पैसे ले लेके मेरे साथ जबरदस्ती किया करते थे, जबरदस्ती उनके साथ मेरे संबंध बनवाया करते थे, उनसे पैसे ले लेके अपने यार दोस्तों को ला ला के, पता नहीं कौन कौन बहुत लोग लेकर आते थे घर पर, उनकी बात नहीं मानती थी तो मेरे साथ मारपीट करते थे घर वाले भी। वे भी घर वालों को बताया मैंने, उनके तो घर वाले बोलते कि जो हमारा लड़का कह रहा है वो कर वरना तुझे मार देंगे जान से हम। उसके बाद मेरी बेटी हुई, बेटी होने के बाद भी उन लोगों ने बहुत परेशान किया, फिर उस बेटी को भी धमकी देने लगे कि जो हमारा बेटा कह रहा है वो कर, अगर तुमने उसके कहने पर नहीं किया तो हम तेरी बेटी को भी तुझे भी मार देंगे। चोट के निशाने जी, चोट के निशाने अभी रास्ते में, जब से मैं वहाँ से अलग हुई हूँ तो चोट के रास्ते में भी उन लोगों ने मेरे ऊपर कई बार हमला किया चाकू से, मेरे देवर ने, जेठ ने और मेरे पति ने, तीनों थे वे। उसकी भी मैंने एप्लीकेशन दी थाने में, उस पे भी कुछ नहीं हुआ। हद तो तब हो गई जब एक बच्ची की माँ इस महिला ने आरोप लगाते हुए बताया कि करीब 6 महीने की वो गर्भवती है, मगर इसके बावजूद हैवानों ने उसे नहीं छोड़ा और गर्भवती होने के बावजूद उसके देवर और जेठ ने रेप किया। जब पीड़ित महिला का धैर्य जवाब दे गया तो फरियाद लेकर एसएसपी कार्यालय पहुंच गई और पुलिस अधिकारियों से इस मामले में कार्रवाई की मांग करने लगी। इस दौरान पीड़ित महिला सीएम योगी और पीएम मोदी से भी इंसाफ की गुहार लगा रही है और कह रही है अगर इंसाफ नहीं मिला तो वो इस्लाम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म अपना लेगी। आप भी सुनिए पीड़ित महिला ने अपना दर्द बयां करते हुए क्या कुछ कहा है। और मेरे देव तकरीबन मैं 6-7 माह की गर्भ थी, उस टाइम पे मेरे पति देवर ने और जेठ ने मेरे साथ जबरदस्ती की, मतलब कि मेरा रेप किया दोनों ने। ये बात मैंने उनके घर को बताई तो उनके घर को ने, बहन ने, भाई ने, सब ने मेरे साथ मारपीट की। अब आप क्या चाहती हैं? अब मैं चाहती हूँ मुझे इंसाफ मिले, योगी जी और मोदी जी से मेरी यही अपील है, मुझे इंसाफ मिले और उन लोगों को सजा मिले, वरना मैं ये मुस्लिम धर्म छोड़ के हिंदू धर्म स्थित कर लूंगी। बस मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ, मुझे मोदी जी और योगी जी से यही अपील है मेरी, मुझे इंसाफ मिले वरना बस बिल्कुल हद से ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ, मुझे कहीं से भी कोई इंसाफ नहीं मिल रहा। तब से आप पुलिस के चक्कर काट रही हैं? 2-3 महीने से मैं पुलिस के चक्कर काट रही हूँ, कभी कहीं कभी कहीं बोलते ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मुकदमा दर्ज हुआ अभी वो भी मेरे बयान के ऊपर नहीं हुआ जो जो मेरे साथ हुआ है। प्रेगनेंट भी है जी, 9 महीने की प्रेगनेंसी है और इस हालात में मैं धक्के खाती फिर रही हूँ, छोटी बच्ची है मेरी, कभी कहीं पता नहीं किस स्थितियों का सामना करना पड़ रहा है मुझे, कब तक मैं ऐसे रहूँगी, कब मिलेगा मुझे इंसाफ। ससुराल वालों के साथ साथ अपने पति से भी तंग आकर पीड़ित महिला ने अब योगी और मोदी सरकार से गुहार लगाई है कि जितने लोगों ने भी उसके साथ गलत काम किया है उन्हें सख्त से सख्त सजा मिले और अगर ऐसा नहीं होता है तो वो इस्लाम धर्म छोड़ देगी। ये पूरा मामला जब एसएसपी कार्यालय पहुंचा तो एसपी सिटी सत्यनारायण सिंह ने मामले में कार्रवाई करने की बात कही है। थाना क्षेत्र ककरौसी जिला मुजफ्फरनगर ने एक महिला थाने में शिकायती प्रार्थना पत्र दिया था, जिसके संबंध में महिला थाने पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है और मुकदमे की विधिक विवेचना की जा रही है। तो उसने आरोप क्या लगाया सर?
उसने अपने ससुराल वालों के खिलाफ दहेज प्रताड़ना के आरोप लगाए हैं और घरेलू हिंसा के आरोप लगाए हैं। उन आरोपों की सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए मुकदमे की विधिक विवेचना की जाएगी। बहरहाल आपको बता दें, पीड़ित महिला जिला बिजनौर की रहने वाली है। करीब 5 साल पहले मुजफ्फरनगर में उसका निकाह हुआ था। महिला ने आरोप लगाया कि शादी के बाद से ही उसका शौहर उसे दहेज को लेकर परेशान कर रहा था। मांग पूरी नहीं हुई तो उसने उसे निशाना बनाना शुरू कर दिया और जब बात हद से ज्यादा गुजर गई तो पीड़िता ने पुलिस से मदद की गुहार लगाई है। अब देखना यह है कि आतिक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे माफियाओं के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन लेने वाली योगी सरकार की पुलिस इस मुस्लिम महिला को न्याय दिलाने के लिए किस तरह से एक्शन लेती है। बहरहाल इस पूरे मामले पर आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।